फोर्टीन फाइनेंस कमीशन। ओके, फोर्टीन फाइनेंस कमीशन प्यार से शुरू करते हैं। फोर्टीन अंडर आर्टिकल 280 प्रेसिडेंट के द्वारा इसको बनाया गया और जो टर्म ऑफ रेफरेंस इसको दी गई टीओआर, उसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। वो बेसिकली काफी सारी टर्म ऑफ रेफरेंसेस वो थी जो प्रीवियस थी, जो अक्सर रहती ही हैं। कुछ टर्म ऑफ रेफरेंसेस न्यू थी, बट आपको अब वो न्यू जैसी लगेंगे नहीं बहुत ज्यादा। मुद्दे की बात है कि क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं, हम वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ भूमिका बना देता हूं इसके बारे में। 14 फाइनेंस कमीशन के जो हेड थे वो एक्स आरबीआई डिप्टी गवर्नर थे, वाई वी रेड्डी। ठीक है जी। ओके जी। सो ये इसके हेड थे वाई वी रेड्डी। इनके द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी गई वो 2015 तो 2020 तक लागू रहेंगी। एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कदम जो माना जा रहा था जो इन्होंने उठाया, इन्होंने अब तक का जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस का शेयर था उसे 32% से रेज करके 42% बना दिया था। और आज की डेट में हम ये प्रेजेंट 42% की सीलिंग फॉलो कर रहे हैं डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस की अंडर द टैक्स रेवोल्यूशन स्कीम। इन्होंने कुछ सिस्टम भी चेंज किए थे जिसमें 13 फाइनेंस कमीशन के द्वारा चलाया जा रहा फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल डिसिप्लिन को वेटेज दी गई थी ना, जो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने फिस्कल डिसिप्लिन जैसे किसी क्लॉज को इस बार इंपॉर्टेंस नहीं दी और आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि नया क्लॉज जुड़ा फॉरेस्ट 14 फाइनेंस कमीशन के दौरान। अभी तक 1971 के बेसिस पर पॉपुलेशन को फॉलो किया जाता था क्योंकि ये मैंडेटरी है प्रेसिडेंट के द्वारा, टर्म ऑफ रेफरेंस में कहा जाता है। लेकिन इस बार चेंजेस किया गया, 1971 के पॉपुलेशन फिगर को इंपॉर्टेंस देने के साथ साथ इस बार डेमोग्राफिक चेंज को भी वेटेज दी गई थी। सो डेमोग्राफिक चेंज नाम का एक अलग से इंडिकेटर बनाया, इसको 10% वेटेज दी गई, 10%, और पॉपुलेशन चेंज को 17.5% वेटेज दी गई। सो अल्टीमेट एस्पेक्ट इसकी फिस्कल डिसिप्लिन का क्लॉज फिनिश हुआ, फॉरेस्ट का क्लॉज आता है, पॉपुलेशन के क्लॉज के साथ ऐड होता है एक नया क्लॉज डेमोग्राफिक चेंज का क्लॉज, और दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। कुछ इस तरह के परिवर्तन इन्होंने किए। अब हम शुरुआत करते हैं कहानी की। ध्यान रहे फिर से मेरा लेक्चर नटशेल रहेगा, सारा मुद्दा समझ आ जाएगा पानी की तरह, लेकिन मैं बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा एज इट इज। ठीक है, फिर आप लोग बुक पढ़ना, फिर जो डाउट्स आएंगे हम आंसर करेंगे। 14 फाइनेंस कमीशन बहुत ज्यादा चर्चा में क्यों रहा, उसके रीजंस पहले बात कर लेते हैं। जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है जिसके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, इनके द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर यह कहा गया कि 14th फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें लागू करना बहुत बड़ी उपलब्धि रही है इस सरकार की। मतलब हमने सीधा सीधा जो स्टेट्स का शेयर है डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में वो 32% से बढ़ा के कर दिया है 42%। मतलब हम बहुत बड़े पैमाने पर स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बारे में जाने जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। दूसरा उनका कहना ये था कि इस बार स्टेट्स के पास ज्यादा रिसोर्सेज रहेंगे अपने काम करने के लिए, तो इसकी वजह से वो बेहतर काम कर पाएंगे, यह उनकी तरफ से कहा जा रहा था। ऑपोजिशन के जो मेंबर थे उनकी तरफ से बहुत सारे, स्टेट्स और ऑपोजिशन मेंबर्स की तरफ से बहुत सारे ऑब्जेक्शंस रेज किए गए। उन ऑब्जेक्शंस में से सबसे मेन ऑब्जेक्शन ये था कि आपने 32% से बढ़ा करके हमारा शेयर 42% कर दिया है, लेकिन अल्टीमेटली जो नेट ट्रांसफर हो रहा है सेंटर से स्टेट की तरफ उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इस बात को मैं समझाऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है। दूसरा उनका कहना यह था कि भारत सरकार के द्वारा अब तक जो सपोर्ट मेजर्स दिए जाते थे अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स या फिर किसी और तरह की स्कीम्स के तहत, वो अब रिड्यूस कर दिए जाएंगे और वो नहीं दिए जाएंगे, इसके तहत हमारा बहुत लॉस होगा। उसके बाद उनका एक ऑब्जेक्शन था कि बहुत सारे इस तरह के स्टेट्स जिनको पहले हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन के तहत
ज्यादा पैसा मिलता था, उनका प्रपोर्शन अब हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन की वजह से रिड्यूस हो जाता है, जिसमें बिहार एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, और बिहार हो हल्ला मचाता है नीतीश कुमार की तरफ से कि भाई इस तरह से क्यों किया गया। जो 14th फाइनेंस कमीशन है, ये एक तरह से रिग्रेसिव कमीशन है, ये हमारे हमें जो पैसा दे रहा है ये पिछली बार से कम है, जबकि पिछली बार से ज्यादा होना चाहिए था। इस तरह की डिबेट्स चारों तरफ घूमती रही, तो फिर ऑलमोस्ट एनालिसिस करने का जो फैक्टर है वो भी इन्हीं के अराउंड घूमेगा। कुल मिलाकर के हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक फाइनेंस कमीशन बना, और वो फाइनेंस कमीशन को किस किस से बात करनी चाहिए, किस किस के पास जाना चाहिए। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, फाइनेंस कमीशन को किस किस से बात करनी चाहिए और फाइनेंस कमीशन ने किस किस से बात करी। सबसे पहला एस्पेक्ट, फाइनेंस कमीशन ने सभी की सभी जो बॉडीज होती हैं जो सेंटर स्टेट रिलेशन को डिसाइड करती हैं, पहले उनके साथ कंसल्ट किया। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, फिर जोनल काउंसिल्स, फिर इंटर स्टेट काउंसिल्स, फिर प्लानिंग कमीशन भी उस टाइम पर तो था, बाद में फिनिश कर दिया गया। तो प्लानिंग फाइनेंस कमीशन ने इन सभी के साथ कंसल्टेशन किया। सेकंड, फाइनेंस कमीशन सभी स्टेट्स में गया, हर स्टेट की गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन किया और ऑपोजिशन पार्टीज और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी कंसल्टेशन किया। आफ्टर दैट फाइनेंस कमीशन सारे स्टेट्स की कंसल्टेशन लेके, सारी सेंट्रल स्टेट मेडिएटिंग बॉडीज की कंसल्टेशन लेने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचा, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उन सबसे कंसल्ट किया, सबसे बातचीत की। इसके अलावा सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ने बहुत सारे ऐसे एकेडमिशियंस, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की भी राय ली जो कि जरूरी थी, मेन मेन पर्सन जिनकी इंपॉर्टेंस थी। तो अल्टीमेटली सेंट्रल ये जो फाइनेंस कमीशन है इस बार का, इसने पंचायतों से लेकर के अलग अलग पंचायतों में जाकर के सभाएं ऑर्गेनाइज की और पंचायतों की राय ली। पंचायतें, म्यूनसिपैलिटीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर ऑफ द इकोनॉमिक सोसाइटी, सभी से बातचीत करके अपनी राय तैयार की। इन सभी बातचीतों के दौरान इनके सामने मुख्य बिंदु क्या निकल करके आए कि लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा, जिसमें कि पंचायतें और अर्बन बॉडीज आ जाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, और जो एकेडमिशियंस हैं और जो इंटेलेक्चुअल क्लास है हमारी कंट्री की, उनके द्वारा क्या क्या बातें रखी गई, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, कुल मिलाकर के सभी स्टेट्स के ने एक सुर में एक बात कही कि इस चीज को आपको इम्प्रूव करना चाहिए। वो बात क्या थी, उसका पर्पस क्या था? वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि प्लानिंग कमीशन ग्रांट्स को रिड्यूस किया जाए और स्टैट्यूटरी ग्रांट्स को इम्प्रूव किया जाए, इसको बढ़ाया जाए। माने प्लानिंग कमीशन के द्वारा आ रहे पैसे कम कम किए जाएं और वो प्रपोर्शन शिफ्ट कर दिया जाए स्टैट्यूटरी ग्रांट्स की तरफ, मतलब जो ग्रांट्स फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस पे मिलती हैं। ठीक है, इनके दो नाम बुक में बार बार यूज होंगे, उनके नाम क्या हैं? स्टैट्यूटरी ग्रांट्स आर अनटाइड, अनटाइड ग्रांट्स, एंड द प्लानिंग कमीशन ग्रांट्स आर टाइड ग्रांट्स। आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अनटाइड एंड टाइड। लुक, दूसरे इनके नाम, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स आर अनकंडीशनल ग्रांट्स, अनकंडीशनल ग्रांट्स। बस ये वर्ड्स ही तंग करेंगे बुक में, वो मैं सारे एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसकी टेक्निकलिटी ढूंढने आप बैठे रहोगे इधर उधर तो ये समझ में नहीं आना था। एंड द प्लानिंग कमीशन ग्रांट्स आर कंडीशनल ग्रांट्स। ठीक है, सभी राज्यों की तरफ से एक मांग रखी गई कि प्लानिंग कमीशन की तरफ से दिया जाने वाला पैसा जो है उसका प्रपोर्शन आप शिफ्ट कर दीजिए, जो पैसा आता है स्टेचुटरी ग्रांट के थ्रू, क्योंकि 13वें वित्त आयोग के बाद, 13th फाइनेंस कमीशन के बाद ये ऑब्जर्व किया गया था कि जो मान लीजिए 100% पैसा जो आ रहा है भारत सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को, उसका 48% 48% जो है वो प्लानिंग फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिया जा रहा था स्टेचुटरी ग्रांट के तहत, और 52% जो है वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा दिया जा रहा था। ठीक है, सो मुद्दे की बात यह है कि स्टेट्स ने इस इम्बैलेंस को करेक्ट करने की बात की कि ये जो वर्टिकल एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रखा है सेंटर स्टेट के बीच में, इसको आप इम्प्रूव कीजिए किसी ना किसी वे में, तभी सारा कुछ ठीक हो सकता है। तो ये मांग बहुत कॉमन आती है इनकी तरफ से। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स का कहना था, ऑलमोस्ट उनका कहना ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे मिनिमम एक सीलिंग रख देनी चाहिए, परमानेंट मिनिमम सीलिंग, दैट इज 50%, कि 50-50 बेसिस चले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, कि जो भी शेयरेबल पूल ऑफ टैक्सेस हैं, जिन भी टैक्सेस को शेयर करना बनता है, उसमें से हमारा हिस्सा लगभग 50% निकाला जाए। मतलब भारत सरकार का जो भी ग्रॉस रेवेन्यू बन रहा है, उस ग्रॉस रेवेन्यू में से मिनिमम 50% राज्य सरकारों को मिल जाना चाहिए, ऐसी रिकमेंडेशन भी इन्होंने रख दी। नेक्स्ट अगर हम रिकमेंडेशन की बात माने तो उसमें ये था, अधिकतर राज्य सरकारों ने ये कहा कि भारत सरकार के द्वारा ये जो अनटाइमली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जिसे बुक में CSS लिखा गया है, इसको लॉन्च किया जाता है और ये फिट फॉर ऑल साइज वाला कंसेप्ट फॉलो किया जाता है, इसको डिसाइड किया जाए, इसको डिस्कार्ड किया जाए और हमारे एरिया स्पेसिफिक और स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स हम प्रोवाइड कर सकें, इसके लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए। मैंने उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी मांगी, ये चीज उन्होंने डिमांड करी। नेक्स्ट उन्होंने ये क्वेश्चन, ये बात कही कि बहुत बड़े पैमाने पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने लग गई है। ये बात सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत सारी ऑब्लिगेशंस हैं खर्चा करने की, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे काम ऐसे करती है जो स्टेट गवर्नमेंट को करने होते हैं, जो स्टेट सब्जेक्ट हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आने वाले सब्जेक्ट के ऊपर भी मोस्टली स्टेट्स को काम करना है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट वो सारे काम करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे खर्चा बढ़ेगा ड्यू टू द ओवरलैपिंग एफर्ट्स, ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ द टास्क एंड डुप्लीकेसी ऑफ द एफर्ट्स। इसकी वजह से ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फंड्स कम पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो स्टेट्स को उनका ड्यू शेयर नहीं दे पाती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल में आके काम करे और स्टेट गवर्नमेंट को ये काम करने दिया जाए पूरी तरह से, ये जो खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है अपनी मिनिस्ट्रीज बना करके, इसको खत्म किया जाए। मतलब एक रिकमेंडेशन ये आ रही थी कि जब हेल्थ स्टेट का इशू है, जब एजुकेशन स्टेट का इशू है, तो फिर ये मिनिस्ट्रीज भी एग्जिस्ट क्यों कर रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में? हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री होनी ही नहीं चाहिए। अगर ये मिनिस्ट्रीज एग्जिस्ट करेंगी तो फिर किसी ना किसी तरह से ये स्टेट गवर्नमेंट के वो जो रोल है उन्हें अज्यूम भी करेंगी, और उन्हें अज्यूम करेंगी तो वो जो फंड्स हैं वो इनके पास भी रहेंगे, तो फिर अल्टीमेटली स्टेट को शेयर उतना नहीं मिलेगा। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया के स्टेट्स हैं, उन्होंने खास तरह की डिमांड की कि भाई हमें भी अलग से फंड्स दिए जाएं, क्योंकि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज्यादा रहता है, वित्तीय घाटा बहुत अधिक होता है, उसके रीजंस बहुत सारे उन्होंने बताए, वो वीकेंड डिस्कस, तो इस वजह से हमें अलग से मदद दी जाए। ये सारी रिकमेंडेशन सुनी फाइनेंस कमीशन ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बात हुई। हैरानी वाली बात ये थी कि 32% से बढ़ के 42% तक दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती थी कि किसी भी तरह से इस बार बढ़ोतरी ना की जाए सेंटर से स्टेट को दिए जाने वाले शेयर में, जबकि रिकमेंडेशन आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 32 से 42% कर दिया, लेकिन कंसल्टेशन के फेज के दौरान यही कहा गया था कि किसी तरह से बढ़ोतरी ना की जाए, पहला एस्पेक्ट। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ये सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं और बहुत बड़े पैमाने पर अपने खर्चे खुद से निकालें, क्योंकि आने वाले समय में स्टेट्स ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। अब तक जो हमने डेवलपमेंटल एक्टिविटी की है उनका नतीजा दिखने वाला है, स्टेट ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं और सेंटर पे आने वाले समय में ज्यादा बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बड़े लेवल पे लॉन्च करने हैं, इकोनॉमी को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चरिंग करना है। जैसे डीमोनिटाइजेशन हुआ तो कहने की बात है डीमोनिटाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया, लेकिन ऐसा करने के पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट को खर्चा भी तो बहुत करना पड़ा। तो ये जो रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी करने के लिए भारत सरकार को खर्चा करना पड़ता है, ऐसे खर्चे बहुत बढ़ने वाले थे आने वाले समय में, तो इन सारे खर्चों को, और सेवंथ फाइनेंस कमीशन भी आने वाला था, उसकी रिकमेंडेशंस भी थी, उन सबको पूरा करने के लिए और स्टेट्स को डेवलप करने के लिए एक फॉर्मूला उनका ये था कि स्टेट्स को बोला जाए कि वो सेल्फ ड्राइव करे अपने रिसोर्सेस को और रिसोर्स मोबिलाइजेशन अपने ही लेवल पे करे, अल्टीमेटली सेंटर पे ज्यादा बोझ ना आए और फिस्कल स्पेस मिले सेंटर को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने लेवल पर अपने काम कर पाए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन थी। कुल मिलाकर के सभी स्टेक होल्डरों से फाइनेंस कमीशन ने बात की और फिर अपने नतीजे तक पहुंचे। उन्होंने नतीजा यानी कि अपना अवार्ड क्या दिया वो दैट आई विल टेल यू। इसके पहले आप पढ़ते हैं कि टर्म ऑफ रेफरेंसेज उनको क्या दी गई थी, कि किन किन चीजों पर उनको काम करना है। टर्म ऑफ रेफरेंस में पहला रेफरेंस तो वही था
सबसे इम्पोर्टेंट कि जो शेयर्स हैं उन शेयर में से कंट्रीब्यूशन किस तरह से स्टेट्स का निकालना है, और फिर स्टेट्स के बीच में वो कंट्रीब्यूशन कैसे स्प्रेड करना है, पहला ये था। सेकंड एस्पेक्ट जो था दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि ग्रांट इन एड्स का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह से ग्रांट्स एलोकेट की जानी है। थर्ड आप जानते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से प्रोवाइड किया जाए और किस तरह से स्टेट फाइनेंस कमीशन को रिकमेंडेशंस दी जाए, स्ट्रेंथन किया जाए ताकि वो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड्स को स्ट्रांग करें ताकि पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा एलोकेशंस हों। और फोर्थ में अदर्स आ जाता है। अब अदर्स के अंदर इस बार बहुत सारी चीजें आ गई, ऑलमोस्ट अब तक इकोनॉमी में जो भी आपने अच्छा अच्छा पढ़ा है वो सभी था अदर्स के अंदर। जैसे सबसे पहले अदर्स के अंदर ये कहा गया था कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर दोनों स्टडी करने हैं अच्छे से, और दोनों को स्टडी करने के बाद अपनी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करनी है, एक साउंड रिकमेंडेशन होनी चाहिए। दूसरा ये बताया गया था कि स्कीम बताई जाए इंसेंटिव और डिस इंसेंटिव की, कि कैसे स्टेट्स को इंसेंटिवाइज किया जाए जिन्होंने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, और किस तरह से स्टेट्स को डिस इंसेंटिवाइज किया जाए जिन्होंने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट ये था कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसको कि अब बदलने का समय आ गया है, इसके बारे में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो अमेंडमेंट्स के बारे में बताया जाए ताकि हम उसमें अमेंडमेंट्स कर सकें। नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें ये था कि बहुत बड़े पैमाने पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो भारत सरकार और राज्य सरकारों के अंडर काम कर रही हैं, इनको कैसे बेटर बनाया जाए, सरकारी फैक्ट्रियों को, सरकारी कर्मचारियों को अगर किसी तरह से कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो इम्प्रूव कैसे किया जाए, जो यूनिट्स अच्छे से काम नहीं कर रहे उनकी रेलिंक्विश उन्हें खत्म कैसे किया जाए, उनकी लिक्विडेशंस कैसे हो, और डिसइन्वेस्टमेंट के रिलेटेड प्रपोजल दीजिए कि डिसइन्वेस्टमेंट किस तरह से किया जाए। अदर ये था कि अगला ये था कि कुछ बहुत सारी सर्विसेज पब्लिक सर्विसेज होती हैं जिसका गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर नई नई पॉलिसी चेंज करने की वजह से उन बुनियादी सेवाओं की कीमतों पर फर्क पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, ये जो बेसिक अमेनिटीज और बेसिक सर्विसेज की प्राइसिंग इंपैक्ट हो जाती है ड्यू टू द चेंज इन द गवर्नमेंटल पॉलिसीज, इन प्राइसेस को गवर्नमेंट की पॉलिसी से इम्यून कैसे किया जाए, आइसोलेट कैसे किया जाए ताकि गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज बदलने पर इनके कीमतें ना बढ़ें एक लेवल से ज्यादा, तो ये बुनियादी सुविधाएं लोगों को एक कीमत पर ही मिलती रहें, इसको सेटिंग कैसे की जाए। जितनी भी डेवलपमेंट आप कर लीजिए वो डेवलपमेंट तब तक सस्टेनेबल नहीं कहलाएगी जब तक आप इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि आने वाली जनरेशन जो हैं उनके लिए अगर आप किसी तरह से कोई रिसोर्सेज छोड़ेंगे ही नहीं तो मतलब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो हमें आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ रिसोर्सेज छोड़ने हैं। तो इस लिहाज से आप इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फॉर्मूले को कैसे बेटर बनाएं, इस बारे में सुझाव दीजिए। राज्य और केंद्र अपने लेवल पर बहुत सारे रिसोर्सेज जैसे कि मिनरल्स हैं, माइंस हैं, जैसे कि वाटर है, जैसे कि फॉरेस्ट है, जैसे कि सॉइल है, इन सारे रिसोर्सेज को यूज करके इन्हें मोबिलाइज करती है ऊपरी एंड की तरफ। जैसे पानी है एक रिसोर्स है, अगर हम उस रिसोर्स को मोबिलाइज कर लें किस पर्पज के लिए, बिजली बनाने के लिए, माने एक रिसोर्स पानी को पहले इस्तेमाल किया पीने के लिए, फिर इस्तेमाल किया सिंचाई के लिए, फिर इस्तेमाल हमने उसे कर लिया इंडस्ट्री यूज के लिए, इरिगेशन के लिए, इरिगेशन के बाद इंडस्ट्रियल, अल्टीमेट एस्पेक्ट है हमने उससे बिजली बनाई, माने हम एक रिसोर्स को एक लेवल से किस लेवल तक मोबिलाइज कर सकते हैं, दैट इज आर कैपेसिटी टू डू द वर्क, हम इकोनॉमी को कैसे ग्रो कर सकते हैं। सो रिसोर्स मोबिलाइजेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इससे पता लगता है कि आप अपने देश के रिसोर्सेस को कितना अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो। तो सेंटर एंड स्टेट दोनों की रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के बारे में आप क्या विचार दे सकते हैं, आप इस बारे में विचार दीजिए। जो ग्रांट्स दी जाती हैं इन ग्रांट्स को किस तरह से हम प्रोडक्टिव ग्रांट्स में बदल सकते हैं, क्योंकि अधिकतर ग्रांट्स रेवेन्यू डेफिसिट कवर करने के लिए दी जाती हैं। अल्टीमेटली इसकी वजह से जो स्टेट्स हैं किसी तरह के प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से आए दिन वो कर्जे में जा रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का और अदर बॉडीज का लोन उन पे बढ़ता चला जा रहा है। अब उसकी वजह से इंटरेस्ट पेमेंट करना है इसलिए और नया लोन, तो एक डेट ट्रैप की सिचुएशन खड़ी हो जाती है। तो इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, जो भी आपने सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स एलोकेट करनी है, जैसे कि रोडवे से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, सैनिटेशन से रिलेटेड है,
हेरिटेज मॉन्यूमेंट से रिलेटेड है, बिल्डिंग एंड रोड मेंटेनेंस से रिलेटेड है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, इन सारी सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स आप स्टेट्स को ध्यान में रख के रिकमेंडेशन कीजिए कि स्टेट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए। इससे जनरलाइज फार्मूला आप नहीं लगा सकते, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जम्मू कश्मीर की बात करें तो बॉर्डर स्टेट होने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत अधिक खर्चा होता है। आप एक जनरल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए ग्रांट इशू करते हैं, अगर आप स्टेट स्पेसिफिक क्राइटेरिया ध्यान में नहीं रखते तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो कुल मिलाकर के फिस्कल मैनेजमेंट, फिस्कल इंप्रूवमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल, फिस्कल मैनेजमेंट, देन फिस्कल इंप्रूवमेंट, देन आफ्टर दैट फिस्कल कंसोलिडेशन, खर्चे घटाना और आमदनी बढ़ाना के प्रोविजन बताए जाए। एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स किए जाएं, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स किए जाएं, मैक्सिमम सैलरीज, पेंशंस, अलाउंसेस जो सेंटर और स्टेट के लेवल पर हैं इन्हें ऑर्गेनाइज किया जाए। जो डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है वो एक्सपेंडिचर किसी ना किसी वे में टारगेट ओरिएंटेड हो और उसे भी प्रोडक्टिव वे में तैयार किया जाए, वो भी प्रोडक्टिव हो, उसका भी हम इस्तेमाल प्रोडक्टिवली कर पाए। ये सारे क्लॉजेज अदर्स में जोड़ करके रिकमेंडेशन के पॉइंट पर दिए गए, ठीक है। तो 14वें फाइनेंस कमीशन का रोल आप देख सकते हैं बहुत बड़ा था। एक तरह से 14th फाइनेंस कमीशन जो है इसकी रिकमेंडेशन अगले 5 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट बजट लेकर के आएगी हर साल का, एवरी ईयर बजट आता है संसद में, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बजट लेकर के आती है, वो बजट के बाद ही वो पैसा खर्च सकती है और लोगों से पैसा ले सकती है, ठीक है। जो टैक्स लिए जाते हैं ना वो बजट के थ्रू ही लिए जाते हैं और जो पैसा भी खर्चा जाता है बजट के थ्रू ही खर्चा जाता है। तो हर साल जो केंद्र सरकार बजट लेकर के आएगी वो बजट में एक स्पिरिट होगी 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस की, मैंने बजट ध्यान रखेगा 14th फाइनेंस कमीशन का, इसके बाहर जाकर के कभी भी इस तरह का बजट नहीं फॉर्म हो पाएगा। और 14th फाइनेंस कमीशन ही पूरी तरह से एक तरह से आने वाले समय के बजट में जो अब तक गवर्नमेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और ग्रांट्स प्रोवाइड कर रही थी उसके प्रपोर्शन को और उसकी वेटेज को डिसाइड करेगा। तो 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली थी। ये थी टर्म ऑफ रेफरेंसेस, ये सारी आप देख रहे हैं कि कंसल्टेशन हो गया सभी लेवल ऑफ स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो पंचायतें थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी या इंटेलेक्चुअल क्लास थी। आप देखते हैं कि टर्म ऑफ रेफरेंस भी स्टडी कर लिया गया अच्छे तरह से, उसको भी ऑब्जर्व कर लिया गया, लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस बार। अब आप देखते हैं कि क्राइटेरिया किस तरह से डिसाइड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इस बार कुछ कुछ चेंजेस किए गए फाइनेंस कमीशन के द्वारा। उन चेंजेस में से सबसे पहला चेंज ये था, क्योंकि देखिए टर्म ऑफ रेफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। टर्म ऑफ रेफरेंस माने कि दीज थिंग्स आर मैंडेटरी, हैव टू बी फॉलोड बाय द फाइनेंस कमीशन, ओके। फाइनेंस कमीशन को उसको अबाइड करना ही करना है, उसे डिनाई नहीं कर सकता। और टर्म ऑफ रेफरेंस में अगर बोला गया कि पॉपुलेशन वाला फैक्टर आपको मानना है तो फाइनेंस कमीशन उसको मानेगा। फाइनेंस कमीशन 14th पॉपुलेशन वाले 1971 वाले रिकॉर्ड को मानना नहीं चाहता था, बट उसको वो मानना पड़ा, क्योंकि नेचुरली इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतनी ज्यादा सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है, तो आपके स्टेट पे, आपके एक्सपेंडिचर के ऊपर, बजट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो फाइनली फाइनेंस कमीशन ने वो पॉपुलेशन वाला इंडिकेटर माना, लेकिन फाइनेंस कमीशन का कहना ये था कि दो बातें और बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो डेमोग्राफिक चेंज से जुड़ी हुई हैं। उनका कहना ये था कि डेथ और बर्थ के अलावा एक और कंपोनेंट है जो आपके राज्य की पॉपुलेशन को बदलता है, दैट इज इन एंड आउट माइग्रेशन। अब इन एंड आउट माइग्रेशन के एस्पेक्ट में फाइनेंस कमीशन ये समझाता है कि दो तरह के एस्पेक्ट यहां पर जनरेट होते हैं। जिस भी किसी स्टेट में सोशल सर्विसेज एंड इकोनॉमिक सर्विसेज उस तरह से प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, वहां से आउट माइग्रेशन होगा तो उस स्टेट का लॉस होगा कि उनके वहां से वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट करती जा रही है। वर्किंग पॉपुलेशन का लॉस होते जा रहा है तो डेवलपमेंटल एक्टिविटी वहां पे नहीं हो पाएंगी, उन्हें ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिल पाएगा। और जिन स्टेट्स की तरफ ये पॉपुलेशन जा रही है उन स्टेट्स के बजट पे एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ेगा इनका रखरखाव करने का, खर्चा बढ़ेगा। माने जो डेस्टिनेशन स्टेट है वो भी सफर होता है और जो ओरिजिन स्टेट है वो भी सफर होता है। फाइनेंस कमीशन कहता है कि नो डाउट जो डेस्टिनेशन स्टेट है उसकी जीडीपी इंप्रूव होती है,
क्योंकि जो भी कोई माइग्रेंट आपके स्टेट में, सपोज करो आपके स्टेट में कोई माइग्रेंट आता है, वो यहाँ पे आके कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज तो कंज्यूम करेगा ही, बिजली पानी स्कूल एजुकेशन बस कुछ तो कंज्यूम करेगा, तो अल्टीमेटली आपके स्टेट की इनकम को वो इम्प्रूव कर रहा है, इनकम माने जीडीपी। और लेकिन लॉस कैसे देता है, जो गवर्नमेंट्स होती है ना किसी भी स्टेट की, उनको इन माइग्रेंट से प्रॉब्लम इसलिए होती है, वो ये कहते हैं कि आप लोग जब यहाँ पर आते हो और आप लोग जो यहाँ की अर्निंग होती है उसका बहुत मीगर पोर्शन आप यहाँ पे स्पेंड करते हैं, रेस्ट ऑफ द पोर्शन आप रेमिटेंसेस की फॉर्म में सेंड कर देते हैं अपने ओरिजिन स्टेट को, तो खर्चा वहां पे हो रहा है और सर्विसेज आप हमारी यूज कर रहे हो। सेकेंड रीजन, हमारे जो लोकलाइट्स हैं, हमारे पॉपुलेशन है, उन्हें हम सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, उन्हें सर्विस कंस्ट्रेंट हो रहा है, बॉटलनेक्स हो रहा है। और तीसरा एस्पेक्ट कि उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज नैरो डाउन हो जा रही है, क्योंकि आप लोग आके वो जॉब कर रहे हो। इसी रीजन के बेसिस पे महाराष्ट्र की लोकल पार्टियां यूपी बिहार के लोगों को वापस भगाती है कि आप लोग वापस अपने जाओ। अल्टीमेटली बिहार वाला पर्सन यहाँ पे भी घर से दूर है और यहाँ वाला दुबई में, दोनों की कंडीशन तो माइजरेबल ही है, दोनों की कंडीशन दयनीय हो गई है, दोनों ही परिवार से दूर हो गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है लोगों को उनके परिवार से जोड़ रखना, पास रखना। मेंटल सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। तो ये फाइनेंस कमीशन बोलता है कि दोनों स्टेट्स माइग्रेशन की प्रॉब्लम से सफर करते हैं, एंड माइग्रेशन इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो जिन स्टेट से माइग्रेशन ओरिजिनेट हो रहा है उन स्टेट को भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो मैं माइग्रेशन को भी एक फैक्टर मानता हूँ, सो डेमोग्राफिक चेंज इज अ काइंड ऑफ फैक्टर, इसको मैं 10% वेटेज एलोकेट करता हूँ, इसके बारे में मैं स्टडी करूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट उनका पर्पज आता है, मैं सिर्फ और सिर्फ वो क्लॉजेस पढ़ा रहा हूँ जो क्लॉजेस शायद प्रीवियसली नहीं पढ़े हमने, या जो भी है। फॉरेस्ट के बारे में भी मैंने बता दिया था, फॉरेस्ट के बारे में वो ये कहते हैं कि पहले ये क्लॉज इंडक्ट नहीं किया गया था, अब ये क्लॉज इंडक्ट किया जा रहा है। उसका कहना क्या है, उनका कहना है कि नेचुरली इसमें कोई डाउट नहीं है कि फॉरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करता है देश की हेल्थ को, जो इकोनॉमिक लाइफ है उसको, जो एनवायरमेंटल हेल्थ है उसको, और ग्रीन ग्रोथ के लिए ये बहुत बड़े पैमाने पर रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि जिस किसी राज्य में लगा हुआ है उस राज्य को ही नहीं फायदा दे रहा, उस राज्य के अलावा वो पर्यावरण का फायदा तो पूरे देश को दे रहा है, पूरे वर्ल्ड को दे रहा है, लेकिन इकोनॉमिकली लॉस सिर्फ उसी राज्य का हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस स्टेट के पास अब उतना एरिया बच नहीं जाता जिस एरिया को वो किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगाने के लिए, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप करने के लिए, फॉरेस्ट काट के वहां पे डैम बना करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, कनाल नेटवर्क बनाने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड डेवलप करने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए हमारे पास अब लैंड ही नहीं है, क्योंकि लैंड ऑक्यूपाइड बाय द फॉरेस्ट। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैंडेट दिया गया है कि आपको इतना फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहती हैं, और फिर बाद में गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेस्ट लॉ बना के भी ये कहा गया कि आपको इतने फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं, तो इट इज अ काइंड ऑफ लीगल मैटर, तो वो तो प्रोटेक्ट करना ही करना है। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम बियर कर रहे हैं, अल्टीमेटली नुकसान हमें हो रहा है, हम उस लैंड को किसी और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए यूज नहीं कर सकते। तो फाइनेंस कमीशन ने बोला कि वो स्टेट्स जिनके साथ इस तरह का न्याय हो रहा है उन्हें भी मुझे ध्यान में रखना है, तो ये इसको भी एक किसी ना किसी वे में क्राइटेरिया बनाना बहुत ही जरूरी है। तो कुल मिलाकर के इसको भी एक क्राइटेरिया बना लिया गया। एरिया के बारे में बात की गई कि एरिया इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो एरिया को भी इंपॉर्टेंस देना है। किस तरह से एरिया को इंपॉर्टेंस दी गई, नेचुरल सी बात है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन एक बात बोलता है जिसको आपको ध्यान में रखना है, सुनिए हमारा एक देश है, ये एक इंडिया है, इसमें जो स्टेट्स बनाए गए हैं वो बेटर वे में काम करने के लिए बनाए गए हैं। स्टेट बनाने की जो पहली कंसिडरेशन रही थी वो रही थी लोगों की लोकल एस्पिरेशन, माने भाषा के आधार पे इसलिए बनाए गए कि लोग कल्चरली ट्रेडिशनली लिंग्विस्टिकली जहां तक यूनाइटेड है वहां तक एक स्टेट बना दिया जाए। अनदर कंसिडरेशन ये थी कि एडमिनिस्ट्रेटिवली वो स्टेट एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब ऐसा भी स्टेट ना हो छुटकुन्नू सा कि वहां से यहां तक आपने स्टेट ही बना दिया कि माझे की बोली तो चलो माझे का स्टेट, एक पंजाब में माझा भी हो जाना था, मालवा भी आना था, दुआबा भी आना था, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम बहुत आना था हाई लेवल पे। वो माझा नाम के छोटे से स्टेट ने कहना था कि यार बॉर्डर पाकिस्तान का मेरे से लगता है, स्यापा मेरे गले पड़ा हुआ है, ये दुआबे वाले मजा कर रहे हैं, मालवे वाले भी मजा कर रहे हैं, तो माझा स्टेट छोटा सा, सारा लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन, लेकिन पंजाब थोड़ा बड़ा है तो वो कर सकता है। मुद्दे की बात यह है कि छोटे स्टेट होने के कई लाभ भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं, बहुत बड़ा स्टेट होने के कुछ लाभ हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं।
लॉस एंड प्रॉफिट आर देयर। द कंसेप्ट इज कि जो एरिया होता है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि हर स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिमिलर लेवल ऑफ टैक्सेस के साथ सिमिलर लेवल ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कि मतलब आपको ऑल इन ऑल हर स्टेट को एक सिमिलर लेवल ऑफ टैक्सेस लगा करके, ये ना हो कि गुजरात के लोगों पर भारी टैक्स लगता है एज कम्पेयर टू पंजाब के लोग, बिहार के लोगों पर हल्का टैक्स लगता है एज कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल के लोग, फिर तो माइग्रेशन का प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगा। आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट और दूसरे से तीसरे, जैसे पंजाब की सारी इंडस्ट्री चली गई हिमाचल प्रदेश क्योंकि वहां पर टैक्सेस की रिलैक्सेशन थी, तो फिर पंजाब से इंडस्ट्री डिवाइड हो गई। इस तरह से अगर हम एक्टिविटी करने लगेंगे तो हम तो एक रीजनल इम्बेलेंस क्रिएट कर देंगे, फिर पॉपुलेशन उन स्टेट्स की तरफ जाएगी जहां पे टैक्स कम है, और फिर इस दौड़ में सभी टैक्स कम करना शुरू कर देंगे तो फिर सारे कर्जाई हो जाएंगे। तो एक बैलेंस अगर अचीव कर लेंगे हम लाफेयर कर्व के अकॉर्डिंग तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि ऑल इन ऑल हर स्टेट में एक सिमिलर लेवल ऑफ टैक्स रख के हमें सिमिलर लेवल ऑफ सर्विसेज ही सबको प्रोवाइड करनी है, दैट इज अ बेंचमार्क। अब एक छोटा स्टेट है उसमें आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है 200-300 किलोमीटर तक, 400-500 किलोमीटर तक। एक सिमिलर स्टेट है उसमें आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है 1500 किलोमीटर तक। माने आप यूपी पे अगर यूपी देख लें तो एक एरिया से आप शुरू होती हैं और 1500 किलोमीटर आप चलती जाती हैं दूसरा एरिया आता है जा करके। तो मुद्दे की बात है एक ही स्टेट में घूम रहे हैं तो अब एक यूपी में कोने कोने तक, फिर हिमाचल में आप देखिए पहाड़ों पे, यहाँ पे आपको यहाँ से होशियारपुर 40 किलोमीटर कोई सामान पहुंचाना है कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। पहाड़ों में आपको 40-50 किलोमीटर की एक वैली में या एक माउंटेन पे कुछ पहुंचाना है तो समझ लीजिए आपकी हालत खराब है। यहाँ पे ट्रक के 4-5-6 चक्कर लग जाएंगे, वहां पे एक भी लग गया तो बहुत बड़ी बात है। तो सिमिलर लेवल ऑफ टैक्सेस तो बात सही थी, सिमिलर लेवल ऑफ सर्विसेज पहुंचाना तो बड़ी गड़बड़ की बात है, ये तो उसी कॉस्ट में हम नहीं पहुंचा सकते। तो एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। तो फाइनेंस कमीशन ने बोला कि एरिया को भी ध्यान में रखना जरूरी है, जितना ज्यादा दूर लंबा एरिया रहता है सर्विस पहुंचाने की कॉस्ट उतनी बढ़ती जाती है, बट विद डिक्रीजिंग ऑर्डर, बट विद डिक्रीजिंग ऑर्डर। वाई? आप एक लेवल तक सर्विसेज जब पहुंचा रहे हैं अल्टीमेटली, तो अब क्या है कि यहां से मान लीजिए कि यहाँ पे सर्विसेज हैं, यूपी के सेंटर में सर्विस हैं, यूपी के फार ईस्ट पहुंचानी है, वेस्ट पहुंचानी है, या नॉर्थ या साउथ पहुंचाना है। जब आप फर्स्ट इंस्टांस में देखेंगे तो यहां से वहां तक का किराया आप नोटिस करेंगे या बाकी सारी चीजें, तो पहुंचाना महंगा लगता है और वो महंगा ही है। लेकिन एक पॉइंट तक ईस्ट में जब वो सर्विस पहुंची है, अब वहां से ईस्ट के फर्दर ईस्ट एरियाज में और वहां के रीजन में पहुंचाना कॉस्टली तो रहेगा लेकिन पहले वाली कॉस्ट से कम रहेगा। तो जिस तरह से आप लॉन्ग डिस्टेंस एरिया में सर्विसेज पहुंचाते जाते हैं तो सर्विस कॉस्ट तो बढ़ता है बट विद डिक्रीजिंग ट्रेंड, अल्टीमेटली डिक्रीज होता है कॉस्ट, बढ़ता है विद डिक्रीजिंग ट्रेंड। जैसे शुरुआत में 100-200 रुपया पड़ रहा है तो बाद में 50-20-25 पड़ने लग जाता है, ठीक है। तो एरिया को भी एक फैक्टर माना गया कि भाई एरिया भी हमको एक फैक्टर मान के चलना है, अदरवाइज फिर लोप साइडेड ग्रोथ हो जाएगा। तो इसी तरह से पॉपुलेशन को, डेमोग्राफिक चेंज को, फॉरेस्ट को, एरिया को, ये सारी चीजों को माना। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता था जीडीपी। जीडीपी का फॉर्मूला 13th फाइनेंस कमीशन वाला रखा, एक चेंज कर दिया। 13th फाइनेंस कमीशन क्या करते थे कि 2011 से 2013 के बीच में, 2010, 11, 11, 12, 12, 13, ये 3 साल की हर स्टेट की एवरेज जीडीपी निकालते थे। माने मान लीजिए कि पंजाब की पहले 2010 से 11 में जीडीपी आ जाती है 100 रुपया, अगली बार में 2011 से 12 में आ जाती है 200 रुपया, और 2012 से 13 में आती 300। तो 300, 200, 500, 100, 600, 600 डिवाइडेड बाय 300, 600 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितनी हो गई ऑल इन एवरेज 200। जीडीपी पंजाब का 200। इस तरह से सभी स्टेट का एवरेज जीडीपी लास्ट 3 ईयर का निकाल के उसको कंपेयर करेंगे हाईएस्ट जीडीपी स्टेट। तो इसमें क्या कंपेयर किया गया कि अब जीडीपी हाईएस्ट उसका होगा जिसका एरिया कम रहेगा। तो जैसे गोवा एक स्टेट निकल करके आया नंबर 1, फिर आसाम निकल करके आया। बट द थिंग इज कि दैट इज नॉट एक्चुअली वेरी मच करेक्ट कि आसाम का जीडीपी बड़ा हाई है, आसाम बड़ा तरक्कीवान है, फिर गोवा का जीडीपी बड़ा हाई है। तो फिर एक स्टेट और लिया गया जिसका रिलेटिव साइज बड़ा हो और जो ऑलमोस्ट सभी कंपोनेंट को शो करता हो, जैसे हरियाणा का जीडीपी। तो हरियाणा में एग्रीकल्चर भी है, हरियाणा गुड़गांव चले जाइए तो इंडस्ट्री भी देखने को मिल जाती है, सर्विस सेक्टर भी है। सो अल्टीमेट और साइज वाइज भी ठीक ठाक आता है, ना छोटा है ना बहुत बड़ा है, कुछ भी है ठीक ठाक है।
हरियाणा का जीडीपी भी निकाला गया, ऑलमोस्ट सिमिलर पाया जाता है। तो गोवा आसाम हरियाणा को क्लब करके, ऑलमोस्ट वेरिएशन तो है तीनों में, लेकिन क्लब करके एक रैंक पे रख दिया गया। और हरियाणा से मेजर करेंगे कि हम आपका जीडीपी लेवल आपके स्टेट का क्या है, तो जितना जीडीपी डिस्टेंस आपका बनता है फिर उस हिसाब से आपको प्रपोर्शन मिल जाएगा। और इसका वेटेज सबसे ज्यादा रखा गया 50%। अब मुद्दे की बात यहां पर ये आती है कि एरिया जो मैप मापा गया था उसमें भी लिमिटेशन थी, मिनिमम एरिया और मैक्सिमम एरिया का एक लिमिटेशन लगाया गया था। इसी तरह से जो जीडीपी मापा गया इसमें 13 फाइनेंस कमीशन में एक कंसेप्ट था कि टैक्स कलेक्शन, कि जीडीपी वाला जो फैक्टर है हम टैक्स कलेक्शन के फैक्टर पे देखेंगे कि किस स्टेट में कितना टैक्स कलेक्शन हो रहा है, कितना टैक्स भरा जा रहा है। मैंने जीडीपी हाई है तो टैक्स भरा जाएगा। 14 फाइनेंस कमीशन ने कहा कि ये जरूरी नहीं होता है इंडिया जैसे स्टेट में, टैक्स कलेक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। और सेकेंड कंसेप्ट इज कि मिडल इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, तीनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है एक ही स्टेट के अंदर, तो हम टैक्स कलेक्शन को एक पैरामीटर नहीं मान सकते। जीडीपी को पैरामीटर मानेंगे, उसी से करेक्ट फिगर आएगी कि भाई हर स्टेट की एक्चुअल दूरी कितनी है हरियाणा से, और उसके बेसिस पर ही हम डिसबर्समेंट कर सकते हैं। तो करेक्शन कर दिया गया, 13 फाइनेंस कमीशन ने जो कोई नया कंसेप्ट अपनाया था उसे करेक्ट कर दिया गया। वो जो 13 फाइनेंस कमीशन था वो टैक्स कलेक्शन एंड जीडीपी को लीनियर मान के चल रहा था कि जीडीपी बढ़ेगा तो मैंने उस तरह हिसाब से जीडीपी ऑन टैक्स कलेक्शन भी होता है। तो लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन ने बोला कि जीडीपी एंड टैक्स कलेक्शन में लीनियर रिलेशन नहीं है, जरूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़ने से टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है, ऐसा नहीं होता है। सो कंसेप्ट यहाँ पर उसने ये अप्लाई किया कि सिंपल हम जीडीपी फिगर लेंगे एवरेज 3 इयर्स का, कोई इसमें झोल झमेला नहीं। कुल मिलाकर के ये करेक्शंस करके उसने अपना कंसेप्ट अप्लाई कर दिया और फिर उसने अब निकाला कि किसको कितना देना है। डन। अब बात आ जाती है फाइनेंस कमीशन पे और उनकी रिकमेंडेशन पे। फाइनेंस कमीशन के सामने दो इश्यूज थे, एक वर्टिकल डेवोल्यूशन का और एक हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन का। वर्टिकल डेवोल्यूशन के टाइम पे फाइनेंस कमीशन ने जिस बात को इंपॉर्टेंस दी है वो बात क्या है कि सेंटर और स्टेट के लेवल पर एक इम्बैलेंस रहता है हमेशा। उसके रीजंस फाइंड आउट करने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स और डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के साथ उन्होंने बात की। अल्टीमेट कंक्लूजन यही निकला कि सेंटर गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा लेती है, तो स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी हार्म हो जाती है, और इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक प्रेशर माउंट होता है फाइनेंशियल, जिसकी वजह से जो ड्यू शेयर बनता है स्टेट का वो दे नहीं पाती सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये एक इम्बैलेंस दोनों के बीच में क्रिएट होता है जिसका रीजन सेंट्रल गवर्नमेंट है। मैंने सारा सार समझा दिया, बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन चली है स्टेटों के साथ, कंक्लूजन यही निकल करके आता है। तो फाइनेंस कमीशन के सामने ये टास्क था कि मुझे इस इम्बैलेंस को रिड्यूस करना है, क्रिएट करना है, रिड्यूस करना है, सॉरी। सेकंड, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन में अभी तक जो भी फाइनेंस कमीशन थे उनका पर्पस था इक्वेलिटी एंड एफिशिएंसी को ध्यान में रखना। उनका पर्पस था कि सभी स्टेट्स के बीच में जो डिस्पेरिटी है, विषमता है, जो ऊंच नीच का भेद है, इसको दूर किया जाए, पहला। दूसरा, जो भी स्टेट है जिसको जो सेंटर की तरफ से ट्रांसफर्स मिल रहा है या जो उसके अपने लोकल रिसोर्सेज हैं उसकी मदद से वो अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सके। और तीसरा, ऑलमोस्ट कुछ ऐसी मिनिमम सर्विसेज जो नेशनल लेवल पे मिलनी चाहिए वो उस स्टेट के हर नागरिक को मिले, इर रिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन स्टेट और द डेस्टिनेशन स्टेट, माने सबको लाभ मिले उन योजनाओं का। तो कुछ इस तरह से स्टेट काम करने चाहिए, ये स्टेट लेवल पर ये बात ध्यान रख के अब तक के फाइनेंस कमीशन भी देते रहे और इस फाइनेंस कमीशन का भी फोकस था। अब जब हम इस तरह से बात करेंगे तो फाइनेंस कमीशन ये कहता है कि पैसा मिलता कैसे है। सबसे पहली बात कि पैसा आता है शेयर फ्रॉम द डिविजिबल पूल ऑफ द टैक्सेस। सेकेंड कंसेप्ट आ जाता है ग्रांट्स इन एड फॉर द रेवेन्यू डेफिसिट पर्पसेस। थर्ड आ जाता है कि प्लान ग्रांट्स, है ना, जो मैंने पहली बोली वो नॉन प्लान ग्रांट थी और ये जो मैंने अभी बोली दैट इज प्लान ग्रांट्स। एंड द फोर्थ वन इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इंप्लीमेंटेड थ्रू द इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज। हर स्टेट का एक बहुत बड़ा रोना था वो ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से
जो ग्रॉस रेवेन्यू है, माने केंद्र सरकार के पास जो कुल मिला के 100 रुपया आता है, उसका जो हमें ग्रॉस शेयरिंग मिलता है ऑल इन ऑल स्टेट्स को, वो आपको पता है 11th फाइनेंस कमीशन ने 37% रखा था, 12th फाइनेंस कमीशन ने 38% के अराउंड रखा, फॉर 13th फाइनेंस कमीशन ने उसे 39-40% तक रखा,